हेलो गाइस, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया जा रहा है कि प्रियंका चौधरी शिव ठाकरे को कहती है कि जो झुंड है वो गिद्धड़ों का होता है, ना कि शेरों का। शेर तो हमेशा अकेले रहते हैं। और इसमें जो शिव ठाकरे वो कहते हैं कि आप गिद्धड़ किसको कह रही हो, तो प्रियंका चौधरी कह रही है कि मैं तुमको कह रही हूँ, क्योंकि झुंड में तो तुम रहते हो, हम तो हमेशा अकेले रहते हैं। तो जो शिव ठाकरे उसकी इस बात को मुद्दा बना लेते हैं और कहते हैं कि देखो, इस लड़की को बोलने की भी तमीज नहीं है, जे कितना घटिया बोलती है, जे लड़की के नाम पर थब्बा है, जे ऐसी कोई बात करता है, कोई लड़की लड़के को गीदड़ कहती है। और उसकी इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा उनको इरिटेट करने लग जाता है, जिसके कारण प्रियंका चौधरी को पहले तो ऐसे लगता है कि शायद उनके मुँह से कुछ गलत कोई गाली ना हो, वो ना निकल गई हो। तभी अर्चना कहती है कि नहीं बहन, ऐसी कोई गाली नहीं होती है, तूने तो सिर्फ एक एनिमल का नाम लिया है। तो प्रियंका कहती है कि यहाँ पर फिर एनिमल का नाम तो सभी लोग लेते हैं, मुझे क्यों इतना ज़्यादा शिव ठाकरे सुना रहा है, मुझे भी तो जे कुत्ता ऐसी कोई वर्ड वर्तता है। तो प्रियंका चौधरी इस बात को लेकर फिर से वो जो उनका कॉन्फिडेंस केरा लूज हो जाता है कि कोई गाली ना हो, लेकिन वो फिर बरकरार हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जो प्रियंका चौधरी ने शिव के लिए गीदड़ शब्द वरता, क्या वो सही है? क्या सच में शिव ठाकरे हमेशा झुंड में रहता है और जो प्रियंका चौधरी है वो शेरों की तरह अकेली हिलती है? तो प्लीज़ आपकी क्या राय है हमसे शेयर जरूर कीजिए, और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।